उत्तराखंड के देहरादून में डीआईजी पुष्कर ज्योति ने आज यातायात व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर तत्काल रेंज कार्यालय में ट्रैफिक व्यवस्था की बैठक ली, जिसमें दर्शनलाल चौक, तहसील चौक, घंटाघर चौक, इनामुल्ला बिल्डिंग चौक सहित सहारनपुर चौक, अड़त बाजार आदि स्थानों का निरीक्षण किया। सड़क किनारे जो रेडी फड व फुटपाथ पर लगी दुकानों को संबंधित क्षेत्र अधिकारियों को तत्काल पुलिस एक्ट में चालान कर हटाने के निर्देश दिए। मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था और सबकी मीटिंग भी ली थी, तो 3-4 कमियां हमें नजर आई थी, ये किया गया। तो उसमें 3-4 कमियां ही आई कि जो दून प्लाजा है उसके आगे जहां हमारा तहसील चौक है, विक्रम और सिटी बस सवारी उतारते हैं और भरते हैं, तो जो वो 15-30 सेकंड का टाइम लगता है उसे पीछे वाले वाहन रुक जाते हैं। दर्शनलाल चौक है, वहाँ पे अभी कुछ ठेले लगे हुए हैं जो खाना वाना बना के दे रहे हैं, तो उस वजह से फुटपाथ बाधित है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मुझे देहरादून के सभ्य नागरिकों से अपील करना है कि कृपया एक डिसिप्लिन बनाएं। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में कैराना क्षेत्र के गांव रामणा निवासी सुमित रोज की तरह पानीपत काम पर जा रहा था। जैसे ही कैराना पानीपत रोड रॉयल ब्रेपाइट के पास जाकर पानीपत की ओर मुड़ा, तो पानीपत की ओर से तेज रफ्तार आ रही पिकअप ने बाइक सवार व्यक्ति सुमित को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई, जिससे बाइक सवार सुमित बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलने पर यूपी हैंडर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को कैराना सीएससी में भर्ती कराया। पिकअप वाले ने टक्कर मार दी, मैं क्रॉसिंग कर रहा था, रॉयल पॉइंट के पास का मामला है पंजीत का, अभी गया थोड़ी देर पहले, करीबन एक डेढ़ घंटे पहले। सर हम काम पे जा रहे कर रहे हैं, बंदा तो सामने से पिकअप वाला आके टक्कर मार दिया, पंजीत का है जी, रॉयल इंडिया और रॉयल होटल इसके सामने कभी आ चुके जी, एक की चोट आ गई इसकी टांग में, चोट टांग में। उत्तराखंड के देहरादून में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने खनन घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2009 से 2013 तक जनपद देहरादून में 190 खनन भंडार केंद्र में गड़बड़ जाला हुआ है। इसके लिए उन्होंने सूचना के माध्यम से जानकारी जताते हुए आयुक्त को भी इस विषय में अवगत कराया, परंतु उस समय में जांच में देरी के कारण खनन माफियाओं को फायदा मिला। इन खनन भंडारों की आड़ में इन खनन माफियाओं ने प्रदेश जो अन्य प्रदेश हैं, हिमाचल, यूपी, तमाम इन जगहों से अपने यहाँ इनके लेखा जोखा उसमें आमद दिखा रखी, लेकिन कहीं भी व्यापार कर चौकियों में उस आमद का लेखा जोखा नहीं है, न फॉरेस्ट की चौकियों में। इस बात को लेकर के इन तमाम मामलों को लेकर हमने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जो तत्कालीन सूचना आयुक्त थे अनिल शर्मा जी, उन्होंने इसमें बहुत गंभीरता से पूरा मामले को संज्ञान लिया और उसमें सरकार को निर्देश देते कि इसमें कार्रवाई करें। एक साल तक कार्रवाई न होने के बाद, क्योंकि मामला 4,000 करोड़ रुपये का था खनन जो इन्होंने अवैध कारोबार करा था, और इस मामले में लगभग 100 रुपये जो राजस्व सरकार को मिलना था, जो खनिज नियमावली उसके तहत जुर्माना लगा करके जो सरकार को मिलना था उसे नहीं मिल पा रहा था। फिर आपके सामने रखूंगा उस घोटाले को भी, ये तो अभी 2009 से 2013 का मामला है, कौन कौन उस समय मुख्यमंत्री रहे ये मैटर हुआ है। लेकिन अभी जो प्रदेश की सरकार है, जो TSR सरकार है, इसका चीरफाड़ में 2-3 दिन में करने वाला हूँ और सारे का सारा सच जनता के सामने लाऊंगा। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में कैराना झिंझाना मार्ग पर तेज गति से आ रही दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से बाइक सवार एक युवक नौशाद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर से आ रही यासीन मुस्तफा वाजिद आबिद गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला सहित 4 लोगों को कैराना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। 4ों की हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मोहम्मद उस्मान जी, भाई है जी हमारा, मुगल लड़का जो सुबह खेत में जा रहा था जी, खेत तक पहुंचा, बुरा वाली जो मुनव्वर जी का चौधरी मुनव्वर हसन का बाग है, वहाँ पर 4 आदमी बुरा सा आ रहे थे उधर से ही, और आप उसमें एक्सीडेंट हो गया ना। वे भी बाइक पे थे? हाँ जी, वे भी बाइक पे थे, उनमें भी काफ़ी चोट है, एक लड़की थी उनमें, 3 लड़के बता रहे जी, अभी उन्होंने पूरे देखे नहीं। हाँ, इसका वह मौके पर ही हो गया जी, बस कोई सांस था इतने पहुँचे वहाँ पर, हम मौके पर इंतकाल हो गया। देख रही है क्राइम स्टोरी।